हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मरीन मरीन। मैं सुधीर आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में हम रेंज टेस्ट करेंगे आउमवे का 5.8G TX1000B4 ट्रांसमीटर का, जिसका अनबॉक्सिंग और डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स वगैरह मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। और जैसे कि मैंने बताया था कि इसका मैं बाद में रेंज टेस्ट करूंगा, तो सेम आज मैं इसका रेंज टेस्ट करने वाला हूं। और रेंज टेस्ट में मैं यूज़ करने वाला हूं अपना टारोट आयरनमैन 650, जिसके साथ मैं इसको जोड़ने वाला हूं। और एंटीना के तौर पर इसको मैं यूज़ करूंगा सेम जिसको लीनर पोलराइज्ड अमूल का जो एंटीना, जो स्टॉक एंटीना है, इसके साथ प्रोवाइड किया गया था। और आज रिसीवर यूज़ करूँगा मेरा स्काईड्रॉइड का OTG रिसीवर, जो कि एक डाइवर्सिटी रिसीवर है, जिसके बारे में मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। और इसका रेंज टेस्ट किया था अपने TS832 और TS835 के साथ। तो आज हम देखेंगे कि जो आमो के साथ ये कैसा परफॉर्म करता है, और आपको एक कंपैरिजन भी पता चल जाएगा कि TS835 अच्छा है या ये आमो का जो TX1000 अच्छा है। वैसे तो कहा जाए तो आज पर पेपर के हिसाब से ये आपका रेंज ज़्यादा देगा, और मैंने ग्राउंड टेस्ट भी किया था, ये इसका रेंज ज़्यादा है उसके कंपैरिजन पे। बट इसका जो करंट कंजप्शन है इसका कुछ ज़्यादा है, मतलब TS835 के मुकाबले करीब 3 गुना करंट खाता है ये। तो बस मैंने अपने पर्सनली जैसे फ्लाई किया था इसका पहले एक टेस्ट करने के लिए, तो मुझे हॉवर किया था मैंने अपने कॉप्टर को अमोए के ट्रांसमीटर के साथ, तो मुझे अपने जो कॉप्टर में करीब 1.5 मिनट का फ्लाइट टाइम कम मिला था इस ट्रांसमीटर के साथ। तो देखते हैं आज TS832 और TS835 के मुकाबले अमोए का भी वर्जन 4 TX1000 कैसा परफॉर्म करता है। और सेटअप यही रहेगा स्काईड्रॉइड में भी, रिसीवर में सेम यही लीनर पोलराइज्ड स्टॉक एंटीना रहेगा, इसमें भी स्टॉक एंटीना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Thank you.
जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे अभी काफ़ी देर पहले ही मतलब सिग्नल ब्रेक हो चुका था और पता नहीं क्या हुआ था इसके साथ, तो बीच बीच में काफ़ी सिग्नल ब्रेक हो रहा था मेरे ट्रांसमीटर का और रिसीवर में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है रिसीवर का या ट्रांसमीटर का, जितना पास हो रहा था ये ज़्यादा सिग्नल ब्रेक हो रहा था, बट जितना फार जा रहा था ये काफ़ी थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था एज कम्पेयर टू TS-835, बट उतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा मुझे। बट आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे, मतलब स्क्रीन बीच बीच ब्लैंक हो जा रहा है, जितना मतलब दूर जा रहा है सही आ रहा है और पास मतलब रहता है तो उतना स्क्रीन ब्लैंक हो रहा है और काफ़ी डिस्टर्बशन हो रहा है। और आप देख सकते हैं अभी करीब 117 मीटर दूर जा चुका है। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जितना मैं ड्रोन को ज़्यादा स्पीड मूव करवा रहा था ये उतना ज़्यादा मतलब यहाँ पे डिस्टर्बशन हो रहा था। आप देख सकते हैं अभी 172 मीटर क्रॉस कर चुका है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। और आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।